उसकी आजादी में सामान्य नहीं है माननीय। हमारे भारत देश के वीर योद्धाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे भारत देश को आजादी दिलाई थी, लेकिन ये दृश्य में सामान्य न था। और मात्र एक बार नहीं, कितनी बार भी हमारा भारत देश गुलाम हुआ, तब तक भारत माता के वीर योद्धाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर भारत माता के सम्मान को हमेशा बचाया है और हमेशा भारत देश को आजाद भी कराया है। लेकिन मैं इन सारी बातों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें हम पूर्व में ही पता लगा जानते हैं। लेकिन वर्तमान के विषय को यदि केंद्र में रखा जाता है तो हमारा आज के समय में भारत देश कौन बचाता है, कौन हमारे भारत देश की रक्षा करता है, कौन है जो हमारे भारत देश को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमारे मां भारती के सच्चे पुत्र हैं सैनिक अंकल, फौजी अंकल जिसको हम कहते हैं। फौजी अंकल अपने प्राणों की बाजी लगा करके जान हथेली पर रखकर के भारत माता की सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा करते हैं। वाकई है ना, जान हथेली पर रखना ये तो सामान्य नहीं है। जब भगवान की बलबुट से बोली हमारे फौजी अंकल के सीने के मांस को पार्थिव पीछे को निकलती है, उतना दर्द सहने के तत्पश्चात भी मां भारती की जयकार करके भारतीय सीमा की ओर कुसुमन की छाती पर लात करके तांडव करने की गलती से आत्मनिर्भर के हमारे भारत देश को बचाने का कार्य करते हैं, तब जाकर के हमारे भारत देश की रक्षा हो पाती है, तब जाकर के हमारा भारत देश सबसे हमारे लिए होती है। कुसुमन हमारे फौजी अंकल को मार देते हैं, लड़ने से बच्चे को पिता को चलवाया जाता है। लेकिन इतना संघर्ष होने के बावजूद भी ये भारत देश की भूमि है, इतना कठिन परिश्रम, इतना कठिन बलिदान जो हम इसके बस्ता नहीं करेगा, ये सब कुछ देख करके भी कभी उसकी माई ये नहीं कहती कि मैं अपने बेटे को फौजी अंकल के हम बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को कभी फौजी नहीं भेजूंगी। ऐसा साहस, ऐसा बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए आता है। ये मातृभूमि बहुत पवित्र माननीय है, ये वीर योद्धाओं की भूमि है, और ये तो वो भूमि है जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, ये तो वो भूमि है जिस पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ये भूमि देवभक्तों की भूमि है माननीय। ये भूमि तो वो है जिस पर छत्रपति शिवाजी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रामदास पटनायक का जन्म हुआ, ये तो वो भूमि है जब पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, ये भूमि देवता को जन्म देती है माननीय। ये भूमि वो है स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, ये भूमि भगवान को जन्म देती है, ये वो भूमि है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, ये भूमि भगवान को जन्म देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस पवित्र भारत की जन्मभूमि बने श्री कृष्ण के जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के अंदर बने पवित्र राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैत्री के मंदिर रूपी मंच स्थल से ये वीर वस्त्र कवि आदर्श सेवक कहता है, ये तर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। अरे इस धरती का गौरव रोम भी हमारे भारत माता का सम्मान है, उस धरती का संकल्प संकल हमारे लिए गौरव वाला संकल्प है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए, और जब हम मरेंगे तो हमारी अस्थियां गंगा मैया की लहरों में ध्वनि प्रदर्शन करते हुए संगों के रूप में इस धरती से जाएंगे। और यदि इनको कोई कान लगा करके सुनता है तो सिर्फ ये कहीं ध्वनि सुनाई देगी मानिया, सिर्फ एक ही ध्वनि, मात्र एक ही ध्वनि। ऐसी कौन सी ध्वनि है जो हमारी भारत के भूतल से भी संसार को सुनाई देनी चाहिए, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो हमारी मां भारती के कण कण से भारत देश के दुश्मनों को सुनाई देनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, हाथ खड़े करके बताएंगे, मैं पुनः निवेदन करता हूँ अपने पवित्र विद्यालय के सर्व माननीय डीन सर आदरणीय अतिथि महोदय सम्मानित स्वरूप गुरुजन क्लासमेट कॉलेज जूनियर अन्य मेरे प्यारे से मित्र बंधु, एक बार जोर से दिल से मन से और गर्व से दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कहकर के मंत्री वाले को काम देता हूँ।